Hello and welcome everyone. Myself Chandra Prakash, and I am here to discuss previous year J e. main question of the year 2019 and 2020. And I am going to discuss the questions which belongs to the topic set relation function and ITF. And you are watching this on the YouTube channel of CLC Seeker. So let me start the questions. So the first question is the number of onto function f from this set to this set, such that एफ के इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री वेन एवर के इज़ अ मल्टीपल ऑफ़ फोर तो देखो बच्चों इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर हम फंक्शन के अंदर ऐसा इनपुट दें जो फ़ोर का मल्टीपल हो तो हमें आउटपुट कैसा मिलना चाहिए थ्री का मल्टीपल ये कंडीशन है अब इस पूरे सेट में वन से लेकर ट्वेंटी तक फोर के मल्टीपल जो है वो कौन कौन से हैं फोर एट ट्वेल्व और उसके बाद सिक्सटीन और ट्वेंटी यानी पाँच नंबर हैं इसी तरह से अगर हम थ्री के मल्टीपल देखें तो वो आएंगे थ्री सिक्स ऑन अप टू एटीन यानी कुल मिला के सिक्स नंबर वहाँ पर है फंक्शन में इधर का हर एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट से एसोसिएट होता है तो इन पांच एलिमेंट को इधर एसोसिएट करने के लिए मुझे इधर पांच एलिमेंट चाहिए होंगे तो देखो इन छह एलिमेंट में से पहले कोई भी पांच एलिमेंट चूज़ कर लो राइट right. जैसे मान लीजिए एटीन छोड़ के बाकी पांच मिनट चूज कर लिए अब इन पांच को इनके साथ एसोसिएट करिए और वन वन कॉरस्पॉन्डेंस होगी हर एक एलिमेंट को एक के साथ मर्ज करना है यहाँ पे तो कितने तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल फाइव तरीके ओके okay, अब ये जब मर्ज हो चुके हैं तो इसके अलावा फिफ्टीन नंबर हमारे पास और बच गए हैं उधर भी उस सेट में फिफ्टीन नंबर बचे तो फिफ्टीन नंबर को फिफ्टीन नंबर के साथ वन वन अरेंज कर दीजिए आप लोग और उसके तरीके कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल फिफ्टीन तो टोटल मिला के इतने फंक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं ओके और सिक्स सिक्स ही होता है तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगी सो दिस विल बी द राइट आंसर क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं गिवन है कि फंक्शन जो है वो कैसा बनाना था ऑन टू या अच्छा तक तो इधर ट्वेंटी एलिमेंट है उधर भी ट्वेंटी एलिमेंट है तो ऑन टू तभी बनेगा जब फंक्शन वन वन होगा तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ हमें वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्कस करनी थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें आपको देखिए डोमेन गिवन है आर में से जीरो और वन छोड़ के सब एलिमेंट हम ले सकते हैं एफ वन है एफ टू है एफ थ्री थ्री फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस राइट एफ टू ऑफ जे एफ वन एक्स देखिए जे ऑफ एफ इसको तो आप समझ ही पा रहे होंगे इसका मतलब है एफ टू ऑफ जे ऑफ एफ वन एक्स करेक्ट और ये अपने को किसके बराबर दी हुई है एफ थ्री एक्स तो अगर देखो दोस्तों एफ वन एक्स की वैल्यू की हम बात करें तो कितनी है वन बाई एक्स तो ये टर्म क्या बन जाएगी वन बाई एक्स तो यहां हो गया जे ऑफ वन बाई एक्स और एफ टू किसके बराबर है वन माइनस एक्स यानी इसको लिख सकते हैं वन माइनस जे ऑफ वन बाई एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स विच इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एक्स ओके और अब यहाँ सिंप्लीफाई करके आप पहले जे ऑफ वन बाई एक्स कैलकुलेट कर लो जे ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू तो ये इधर जाएगा वन माइनस दिस यानी कि माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स नाउ रिप्लेस एक्स विद वन बाई एक्स तो एक्स की जगह वन बाई एक्स डालोगे तो ये तो एक्स बन जाएगा और इधर देखिए क्या बनेगा वन बाई एक्स दैट इज वन बाई एक्स माइनस के साथ और नीचे वन माइनस वन बाई एक्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू वॉट वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स तो ये मिला और ये तो देखिए एफ थ्री आ गया वापस से सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एफ थ्री तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं आइए क्वेश्चन नंबर थ्री कॉस इनवर्स इक्वल टू वॉट ओके देखिए एक कॉस इनवर्स को ना उधर ले जाओ इसको ऐसा लिख दो कॉस इनवर्स ऑफ टू बाई थ्री एक्स करेक्ट और दोस्तों ये इधर जाएगा ना तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स क्या बन जाता है साइन इनवर्स सो दिस कैन बी रिटर्न साइन इनवर्स ऑफ थ्री बाई फोर एक्स और अभी साइन इनवर्स को आप वापस से कॉस इनवर्स में ऐसे बदल लीजिए कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर तो ये दोनों बराबर हैं आपस में इनवर्स फंक्शन है तो वन वन होता ही है तो आप कॉस इन्वर्स से कॉस इन्वर्स कैंसिल आउट कर सकते हो यानी आपको मिला दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो फोर बाय नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस नाइन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर और बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और वो वैल्यू कितना आएगा आपके पास अंडर रूट वन फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व सो थर्ड विल बी योर राइट आंसर तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर लेट ए इज इज अ अ सेट फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड नॉट पॉजिटिव इंटीजर मतलब टोटल रियल नंबर सेट लेना उसमें से नेचुरल नंबर छोड़ देने डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर सैट एफ एक्स इक्वल टू दिस देन एफ इज आपको क्या बताना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है ये डिस्कस करना है ओके okay. तो आइए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद होगा ने पढ़ा भी होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब क्या होता है वन वन होते हैं तो डेफिनेटली ये भी वन वन है ओके आप डोमेन में से कुछ पॉइंट हटा भी देंगे तो उससे वन वन पर फर्क नहीं पड़ता है राइट तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि फंक्शन वन वन है इंजेक्टिव है अब हम सर्जेक्टिव का देख लेते हैं ओके तो देखिए यहाँ डो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है राइट और ऐसा फंक्शन राइट ऐसा फंक्शन जो है इसकी रेंज आर आती नहीं है अगर ये कंडीशन नहीं भी होती एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर तो भी इसकी रेंज नहीं आर नहीं आती इसकी रेंज क्या आती है आर माइनस टू ये रेंज है इसकी राइट आर में से वो एलिमेंट छोड़ दो जो दोनों एक्स के रेशो से बन रहा है तो टू कभी नहीं आएगा ये तो ही बात है कि ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा और फिर उन्होंने यहां ये भी बोल दिया कि इट इज नॉट अ पॉजिटिव एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर पुट करने पर जो भी वैल्यू आ रही थी वो भी नहीं आएगी ओके okay? तो इस वजह से बहुत सी वैल्यूज होगी आर में इसके अलावा और भी कई वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी तो ये पक्का सब्जेक्टिव नहीं है सो दिस इज नॉट सब्जेक्टिव नाउ यू कैन चेक द ऑप्शन इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव सो सेकंड विल बी द राइट आंसर तो रिमेंबर दिस इस टाइप का जो फंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इंजेक्टिव ओके और इसकी रेंज क्या होती है इस टाइप के फंक्शन की रेंज होती है आर माइनस ए अपॉन सी कब जब इसके डोमेन में सारे एलिमेंट हो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन यहां देखिए आपको कुछ फॉर्मूले याद दिला दो मैं

वो एन पाई हो जाएगा तो जैसे इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू क्या 10 है अपने पास टेन है राइट यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन क्या होगा तो टेन का बच्चों नियरेस्ट मल्टीपल जो है पाई का वो होता है पाई यानी N का वैल्यू ले लिया हमने तो ये सिमिलरली बच्चों कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है मॉड ऑफ

तो ये इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू अब तुम्हें करना क्या वाई माइनस एक्स मतलब इसमें से इसको करना है तो टेन में से थ्री पाई माइनस टेन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो गए के, बचेगा केवल सो सो द राइट आंसर इज रिमेंबर दिस ओके आपकी हेल्प करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके काफी बड़ा क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ वन फोर्टी स्टूडेंट नंबर वन टू वन फोर्टी ऑल इवन नंबर स्टूडेंट

राइट right. ये किसके बराबर होता है इसका फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए बी एन बी सी एन सी ए राइट एंड प्लस एन ए बी सी ऐसे करेक्ट देखिए यहां ए मैंने मान लिया है उन बच्चों का सेट जिन्होंने मैथ्स लिया है बी उनका सेट जिन्होंने फिजिक्स लिया है सी उनका सेट जिन्होंने केमिस्ट्री लिया है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब उन बच्चों की संख्या जिन्होंने तीनों में से कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही है विच है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो ये निकाल लेंगे हम उसको टोटल में से घटा देंगे तो बचेंगे कौन से जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है तो आइए देखिए कितने बच्चों ने मैथ्स लिया है तो एक से एक सौ चालीस तक उनके नंबर हैं तो जो जो इवन नंबर है यानी टू के मल्टीपल कितने होंगे यहाँ पे 70 प्लस एन बी थ्री के मल्टीपल कितने हैं इसमें वन से लेके वन फोर्टी तक थ्री के मल्टीपल कितने आएंगे देखो सीधे सीधे वन फोर्टी को थ्री से डिवाइड कर लो तो ये हो गया फोर और सिक्स फोर्टी सिक्स प्लस फाइव के मल्टीपल कितने होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री ली वो सब फाइव के मल्टीपल है तो फाइव को डिवाइड कर दो उससे सीधे सीधे वन फोर्टी से को डिवाइड करो फाइव से कितना आएगा देखिए ट्वेंटी एट माइनस ए बी ए बी का मतलब वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिए है अब जिन्होंने मैथ्स लिए वो टू के मल्टीपल है जिन्होंने फिजिक्स लिए है वो थ्री के मल्टीपल है तो जो सिक्स के मल्टीपल हो गए देखो वो दोनों में काउंट हो गए तो उन्होंने फिजिक्स भी ले ली और मैथ्स भी ले ली तो सिक्स के मल्टीपल कितने होंगे ये पता करो यहाँ आप तो डिवाइडेड बाय सिक्स सिंपली है तो सिक्स से डिवाइड करोगे कितना आएगा टू और थ्री ट्वेंटी थ्री कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा बट जो कौशंट आता है बस वही लेना है आपको प्लस बी और सी बी और सी मतलब आ, बी मतलब थ्री और सी मतलब फाइव थ्री के मल्टीपल फाइव के मल्टीपल यानी जो फिफ्टीन के मल्टीपल है तो फिफ्टीन के इसमें मल्टीपल देखोगे आप तो टोटल नाइन मल्टीपल आएंगे ओके फिर है सी और ए यानी फाइव और टू के यानी टेन के मल्टीपल तो वो हो गए बच्चों फोर्टीन ओके okay. और प्लस एबीसी टू थ्री और फाइव टू थ्री और फाइव सबके मल्टीपल यानी कि कितना हो गया टू इंटू थ्री सिक्स इंटू फाइव थर्टी तो थर्टी के मल्टीपल अगर आप इसमें देखोगे तो कितना हो जाएगा फोर टाइम ओके सो कैलकुलेट दिस और फिर इसको सब कर लो किसमें से वन फोर्टी में से तो वन अपना आंसर हो जाएगा टोटल बच्चे हैं वन फोर्टी उसमें से सब्ट्रैक करना है मुझे ये सारा तो ये सब देखो कितना हो गया सेवेंटी फोर्टी सिक्स और ट्वेंटी एट ये हो गया तो फोर और फोर्टीन वन फोर्टी फोर तो ये हो गया बच्चों इसमें से सब्ट्रैक करो ये कितना हुआ देखो फोर थ्री सेवन और नाइन सिक्स और फोर ये हो गए फोर्टी सिक्स राइट और प्लस के फोर वो हैं ओके okay, तो ये सब कैलकुलेट कर लो आप देन यू गॉट थर्टी एट सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्टी एट तो आई होप बहुत सिंपल सवाल था दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और आई थिंक सबको पता है ये जो एग्जाम देने जा रहे हैं जई मींस का तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द टू फंक्शन एफ एन जी डिफाइंड बाई दिस ओके देन एफ ओ जी इज इक्वल टू वॉट आइए देखिए सुनो देखो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट कौन कौन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना ऐसे एट एंड सोन और इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सोन इस तरह का सेट है अब यहाँ क्या देखिए एन एफ ओ जी एन की बात करनी है करेक्ट तो एफ ओ जी एन क्या होगा एफ ऑफ जी एन क्या होगा सुनना ध्यान से ये डिपेंड करेगा कि एन ईवन है या ऑड है इफ एन इज ईवन एन को अगर मैं इवन लूंगा ना बच्चों तो सबसे पहले देखो जी को मिलेगा एन तो जी एन क्या हो जाएगा यहाँ इवन नंबर लोगे आप तो ये पावर इवन है तो आपको मिलेगा एन माइनस वन विल बिकम एफ ऑफ एन माइनस वन अब एन इवन है तो एन माइनस वन ऑड हो गया तो एन माइनस वन ऑड है ना तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी तो इसमें एन की जगह डालो एन माइनस वन तो आपको मिलेगा एन बाई टू ओके जब एन ऑड होगा एन ऑड होगा तो यहां बनेगा देखो एन प्लस वन बन जाएगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एन प्लस वन और एन प्लस वन कैसा हो जाएगा अगर एन ऑड है तो एन प्लस वन हो जाएगा इवन और इवन की डेफिनेशन लगेगी ये वाली तो ये बन जाएगा एन प्लस वन बाई टू तो ये फंक्शन ऐसा है देखिए सो so, अगर मैं एन का वैल्यू वन लेता हूं तो वो यहां पुट करूंगा तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पर वन प्लस वन टू बाई टू यानी वन यानी वन मैच होगा बच्चों वन से टू पुट करेंगे यहाँ पे तो टू मैच होगा वन से थ्री पुट करो यहाँ पे तो ये मैच होगा टू से फोर भी मैच होगा देखो टू से यहाँ से ओके फाइव पुट करोगे से मैच हो जाएगा और सिक्स भी थ्री से तो देख रहे हो इस तरह से मैचिंग हो रही है तो इस तरह से सभी नंबर जो है इधर के वो मैच हो जाएंगे तो ये फंक्शन जो है ये अच्छा तक या ऑन टू तो होगा लेकिन ये वन वन नहीं है देखो वन और टू अलग अलग होके सेम से मैच कर रहे हैं सो दिस इज नॉट वन वन राइट आंसर इज थ्री ओके इधर के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे जिससे जिस आप आगे जाते जाओगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं the, the, is, अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया आइए देखिये कैसे करोगे ये कॉट लगा हुआ है बाहर एक बार इसको छोड़ते हैं देखो पहले ये सिग्मा के अंदर वाली टर्म को डिसाइड करते हैं सिग्मा एन का वैल्यू है वन से लेके नाइनटीन तक और कॉट इनवर्स में क्या लिखा हुआ है वन प्लस टू पी देखो टू को तो बाहर निकाल लो पी पे सिग्मा लगाओगे और सिग्मा में फिर पी का वैल्यू वन से एन तक रखना है, तो सिग्मा पी का वैल्यू हो जाएगा एन एन प्लस वन बाई टू और उसको जब टू से इस वाले टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एन, एन एन प्लस वन ओके तो ये रिजल्ट आया अब इस कॉट इनवर्स को बच्चों में बदल लेता हूं किसमें टेन में क्योंकि आई होप कि आपको कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला शायद याद ना हो लेकिन टेन इनवर्स का सबको याद होता है ना तो मैं टेन इनवर्स में बदल के इसको ऐसे लिख देता हूँ अपॉन वन प्लस एन इन टू एन प्लस वन ओके दिस वन कैन बी रिटर्न एन प्लस वन माइनस एन और ऐसा क्यों किया मैंने देखो क्योंकि अब ये फॉर्मूला बन गया सिग्मा एन का वैल्यू वन टू नाइनटीन एंड दिस टर्म कैन बी रिटर्न टेन इनवर्स एन प्लस वन Minus 10 inverse n. Okay, so now if you simplify this sigma, and when you put n is equal to 1, 2, 3, this will become the example of telescopic series. So all the middle terms will be cancelled out with each other, and finally, what will we get? In the first term, we got this. So when n is equal to 1, this will become minus 10 inverse 1. In the last term, we got this. This will become 10 inverse 20.

बट एक चीज मन में आनी चाहिए डिवाइड क्यों कर दिया डिवाइड करने के लिए गारंटी देनी पड़ेगी कि एक्स जीरो नहीं है तो अगर एक्स जीरो नहीं है तब तो कर सकते ना तो ऐसे लिख दिया और जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा देखो जीरो तो जीरो पे जीरो आ रहा है और नॉन जीरो पे क्या आ रहा है वो देख लेते हैं ये मैंने इसलिए लिख, लिख लिया देखो ये बहुत जाना पहचाना टर्म है आई होप सब लोगों को पता होगा वन प्लस एक्स सॉरी एक्स प्लस वन बाई एक्स की रेंज होती है बच्चों माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी करेक्ट तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी रेंज क्या आएगी देखो इस वाले पार्ट की रेंज क्या हो जाएगी सॉरी दिस इज क्लोज इंटरवल माइनस हाफ हाफ से से जीरो union, जीरो यूनियन हाँ. तो ये रेंज हो गई और जीरो इधर आ गया तो जीरो इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा माइनस हाफ से प्लस हाफ तक का क्लोज इंटरवल हो गया सो द राइट आंसर विल बी थर्ड उसको तो ऐसे तो हम देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अ टेनशन डिफाइन फ्राम जीरो फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है ये सब बताना ओके यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये देखो वाईज इक्व टू वन माइनस वन बाई एक्स ओके मैं तो कहूँगा इससे पहले भी आप सिर्फ ये देखो वाईज इक्वस चलो इसी को देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा राइट देखिए वेन अच्छा हमें बात करनी है जीरो टू इन्फिनिटी में सो एज एक्स अप्रोचिंग टू जीरो जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ जाएगा दिस विल बिकम टू इन्फिनिटी और इस माइनस के साथ मिलकर माइनस इन्फिनिटी हो गया तो उसका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा यू और जब एक्स का वैल्यू वन होगा देन इट विल बिकम जीरो उसके बाद ऐसे इंक्रीज करते हुए वैन एक्स विल बिकम इन्फिनिटी देन इट विल बिकम जीरो वन माइनस जीरो विल बिकम वन तो ये ऐसे चला जाएगा और ये लाइन होगी वाई बराबर वन तो वाई बराबर वन इसकी आइसम टॉट बनेगी और ऐसा कर्व होगा अब सोचो अगर मैं इस पर मॉड लगा दूँ तो इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा मॉड लगाने से ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा और ये ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज ही रहेगा यानी ये ग्राफ इस तरह से होगा दिस इज वाईक्वल टू वन अब इस ग्राफ को देख करके बताइए इसकी रेंज क्या है क्लोज इंटरवल जीरो से लेके इंफिनिटी तक यानी ये पूरी की पूरी रेंज आ रही है यानी कि फंक्शन क्या है ऑन टू और आप देखिए अगर मैं यहाँ एक हॉर्जेंटल लाइन खींचू तो इसको दो बार काट रही है इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है सो दिस इज नॉट वन वन बट ऑन टू सो नॉट इंजेक्टिव बट इट इज सर्जेक्टिव सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर चले हम आगे आई होप चीजें समझ में आ रही होगी क्वेश्चन नंबर इलेवन ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस एक्सिस्फाइंग बड़ा आसान है ना थोड़ी देर के लिए इसको टी मान लो सो इट कैन बी रिटर्न टी स्क्वायर माइनस सेवन टी प्लस टेन ग्रेटर देन जीरो तो बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे दो टी माइनस टू और t माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो और ये टू पे और फाइव पे तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा बाकी प्लस माइनस प्लस तो आप चाहते हो कि ये टर्म पॉजिटिव हो तो कब होगा जब टी का वैल्यू छोटा हो दो से या फिर टी का वैल्यू बड़ा हो फाइव से अब टी किसको माना है भैया आपने कॉस इनवर्स एक्स को तो कॉस इनवर्स एक्स दो से छोटा होना चाहिए कॉट है सॉरी या फिर कॉट इनवर्स एक्स पांच से बड़ा होना चाहिए देखिए ये पॉसिबल नहीं है ट इनवर्स एक्स की रेंज अगर आपको पता हो बच्चों इनवर्स की रेंज ही जीरो से से पाई 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 होती है 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 तो तो ये ज्यादा ज्यादा तक जाता है। पाई भी नहीं होता है। तो फाइव से बड़ा तो होने से रहा तो एकमात्र पॉसिबिलिटी यही बच गई दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर हम इसको इधर से हटा के इधर लगाएंगे ना तो ये इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो कॉट इनवर्स इससे आपको सॉल्यूशन मिला कि एक्स ना कॉट टू से बड़ा होना चाहिए

तो वो इवन कब आएगा अगर उसमें एक भी नंबर इवन हुआ ना तो प्रोडक्ट इवन आ जाएगा तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट इवन ना आए तो उसका क्या तरीका है कि सारे के सारे ऑड नंबर ले लो ओके नहीं लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि प्रोडक्ट इवन आए तो आप ऐसे कर सकते हो देखो सिंपल तरीका कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसमें से सब कर दो वो सबसेट नंबर ऑफ ऑड प्रोडक्ट इज ऑड ये बड़ी आसानी से तो आप जानते हो अगर टोटल एन एलिमेंट हो ना सेट में तो उसके टू पावर सबसेट सबसेट बनते हैं तो यार टोटल सबसेट हो गए पावर हंड्रेड माइनस अब प्रोडक्ट ऑड आना चाहिए प्रोडक्ट ऑड तभी आएगा जब सारे नंबर क्या हो ऑड यानी आप ऐसा करो कि वन थ्री फाइव ऐसे करके अपटू नाइनटी नाइन इसका सबसेट बनाओ तो इसका कोई भी सबसेट बनाओगे तो उसका प्रोडक्ट ऑड आएगा और इसके कितने सबसेट बन सकते हैं टू पावर फिफ्टी पचास एलिमेंट है टोटल तो बस यही आपका आंसर है सो विच ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट ही करेक्ट हो गया देखो सो so ये भी बहुत सिंपल था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन द सेट ओके देखो क्या करो ये क्वेश्चन दे रखी है ना दोनों साइड टेन ले लो राइट तो इधर तो टेन पावे फोर क्या बन जाएगा बच्चों वन इधर टेन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी तो टेन ए यानी कि टू एक्स प्लस टेन बी यानी कि थ्री एक्स अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ऐसा हो गया है कुछ इसको उधर ले जाइए सबको एक तरफ कर लो ऐसा बन जाएगा देखो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन बराबर जीरो सॉल्व कर लो इसको तो आपको एक्स का एक वैल्यू तो मिलेगा देखो माइनस वन और एक वैल्यू मिलेगा वन बाई सिक्स ओके तो फोर्थ को करेक्ट मत कर देना क्योंकि देखो अगर मैं माइनस वन ले लेता हूं सोचो और मैं यहां पुट कर देता हूं तो टेन इनवर्स को नेगेटिव नंबर मिलेगा जब टेन इनवर्स को नेगेटिव वैल्यू मिलती है ना तो उसका आउटपुट आता है माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में तो सोचिए ये नंबर भी माइनस पाइव बाई टू से जीरो मतलब नेगेटिव नंबर है ये भी नेगेटिव है तो इनको एड करने पर क्या पाई बाई फोर आ सकता है तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए आंसर नहीं होगा ओके सो द दू वनिक्स विल बी द ओनली आंसर सो योर आंसर इज थर्ड एक एकल समुच्चय है केवल एक ही एलिमेंट आएगा इसके सॉल्यूशन सेट में दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट चलिए इसको निपटाते हैं पहले देखिए टू पावर समथिंग इक्वल टू जीरो कब होगा जब ये पावर जीरो हो जाएगी सॉरी सॉरी टू पावर समथिंग इक्वल टू वन कब होगा जब पावर जीरो होगी यानी कि वैल्यू क्या हो गया माइनस टू और ये भी जीरोक्वायर माइनस फाइव एक्स, एक्स, तो एक्स प्लस सिक्स है ना ये जीरो होना चाहिए तो इससे दो वैल्यू आ जाएगी टू और थ्री तो कुल मिला के सेट ए में ये ही तीन एलिमेंट हमारे पास होंगे सेट बी में आते हैं टू एक्स माइनस वन तो इसमें सब में वन ऐड कर दो आप तो आपको ऐसे मिला सही है अब इसको टू से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा एक्स का वैल्यू होगा माइनस वन से फाइव तक दूसरी तरफ हमको ये बोला गया है कि एक्स इंटीजर है तो इसलिए एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी जीरो वन टू थ्री फोर तो ये है सेट बी ओके अब बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे भाई तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होते हैं एन ए इंटू एन बी इसके एलिमेंट के नंबर यानी कि थ्री और उसमें कितने हैं फाइव तो फिफ्टीन एलिमेंट इसमें होंगे तो इसमें अगर फिफ्टीन एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे टू पावर फिफ्टीन तो है कोई ऑप्शन बिल्कुल ये रहा सो विल बी योर राइट आंसर टू पावर फिफ्टीन क्वेश्चन इज एक ज्यादा हो गया फिफ्टीन क्वेश्चन

अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर तो देखो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर बचेगा इज स्क्वायर नीचे भी ऐसे होली स्क्वायर ऐसा बनेगा कुछ तो दोनों का स्क्वायर एक साथ कर देते हैं इस स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो दैट इज टू टाइम लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और ये वही हो गया जो हम लेके चले थे यानी कि टाइम सो दिस विल बी योर आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए क्या है टू आई इज इक्वल टू ओके यहां देखो क्या है इस पे गौर करो ये कॉट इनवर्स तो है ही <coughs> इसमें ऊपर नीचे ना बच्चों साइन एक्स से डिवाइड कर दो तो ऐसे बन जाएगा देखो रूट थ्री रूट थ्री को अगर हम कॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कॉर्ट सिक्स सही इंटू कॉस एक्स अपनेक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा इंटू कॉट एक्स प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ये साइन एक्स से डिवाइड हो गया और बच गया रूट थ्री यानी कि कॉट फाइव बाई सिक्स अच्छा इसका स्क्वायर भी करना है और ये सब किसके बराबर तो है भाई टू वाई के सो दैट इज इक्वल टू टू वाई इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देखिए ध्यान से देखिए ये तो है कोट इनवर्स ये बन जाएगा कोट पाई बाय सिक्स। आई होप आपको कोट ए माइनस बी का फार्मूला आता है तो ये कोट पाई बाय सिक्स माइनस एक्स का फार्मूला है ओके okay? और जैसा एज यूजुअल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिला टू पाई बाय 6 x स्क्वायर नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड सो यू गॉट 2 टाइम dy dx टू टाइम पाई माइन बाई सिक्स माइनस एक्स इंटू माइनस वन तो बच्चों टू टू से कैंसिल आउट हो गया और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिला ये माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस फाइव बाई स आंसर इज एक्स माइनस फाइव बाई फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ कॉर्स अल्फा इज इक्वल टू देखिए यहां से आपको ऐसा मिल गया कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव राइट सो साइन अल्फा क्या होगा भाई इस केस में sin अल्फा विल बिकम फाइव एंड वाई आई एम टेकिंग साइन अल्फा आई शुड टेक टेन अल्फा वॉट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा फोर बाई थ्री है ना यहां से मुझे टेन बीटा पता चले गया कितना है टेन बीटा वन बाई थ्री कैलकुलेट क्या करना अल्फा माइनस बीटा तो टेन अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं पहले देखो टेन अल्फा माइनस बीटा कितना है तो फॉर्मूला लगा दो दैट इज टेन अल्फा यानी फोर बाई थ्री माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा तो ये देखिए ऊपर तो हो गया फोर बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री यानी कि वन और नीचे ये हो गया नाइन और ऊपर आ गया ऐसे तो इसका होता अल्फा माइनस बीटा को टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखें तो वो आएगा टेन इनवर्स नाइन बाई थर्टीन तो इसका होता फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है फोर्थ भी गलत है अब इसके लिए मुझे साइन कॉस्ट में चेक करना पड़ेगा तो बताइए इस केस में साइन अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा तो वो आएगा बच्चों नाइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थर्टीन स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर ये कितना हो गया देखो थर्टीन स्क्वायर हो गया वन सिक्सटी नाइन और नाइन स्क्वायर हो गया एटी वन तो कुल मिला के ये हो गया जीरो और 9 और 6, 5, और 2. 250. 250 में से परफेक्ट स्क्वायर है, सो दिस कैन बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वेर ओके 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 देखिए क्या है? एक फंक्शन है उसको इवन और पार्ट में लिखा गया है तो आई होप आप सबको पता होगा कि किसी भी फंक्शन इवन को एफ एक्स को अगर मुझे लिखना हो एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन तो हम ऐसे लिखते हैं देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू ये तो होता है बच्चों इवन पार्ट दिस इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन ओके प्लस एफ एक्स plus uh, minus, sorry, how can I move this, f x minus f of minus x divided by 2, that is odd function. So, hence you can write any function as a sum of even function and odd function ok. Here f x is a power x. So, what will be f 1 will become? So, f 1 x will become ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू सो दिसन एक्सन पार्ट जो हो गया इसका एफ टू से मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो आपको करना क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ओके तो इसकी वैल्यू हम लोग पता करते हैं देखो थोड़ा सा हम और स्पेस निकाल लेते हैं यहां पे एफ वन एक्स एफ वन सॉरी एफ वन एक्स प्लस वाई एंड प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई ये पता करना है ओके okay, तो ये क्या बन जाएगा देखो ए पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए पावर माइनस ऑफ दिस यानी माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई यहां से देखिए क्या बनेगा ए पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए पावर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू तो दोनों का एलसीएम टू है तो ऐसे लिख लेते हैं और अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों ये फैक्टर है इसके फैक्टर हो जाएंगे ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स और ए पावर वाई प्लस ए पावर माइनस वाई इनका प्रोडक्ट है ये ओके तो इसका मतलब ये क्या हो गया देखो ये टर्म ये टर्म हो गई एफ वन एक्स ये क्या हो गया ये एफ वन वाई होते होते रह गए क्योंकि इसके नीचे टू नहीं है तो इसको टू दे देते हैं और टू से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख देते हैं यानी कि ये होना चाहिए टू टाइम एफ वन एक्स एफ वन वाई सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ओके तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था बट रिमेंबर द फैक्ट कि किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इवन पार्ट क्या होता है और ऑड पार्ट क्या होता है Then a क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द फंक्शन लाइक function जो है ना ये सर्जेक्टिव है तो ए बताओ क्या होगा तो ए इसकी रेंज के बराबर होना चाहिए जब कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तभी फंक्शन सर्जेक्टिव या अच्छा तक होता है तो कुल मिला के इस फंक्शन की रेंज निकालनी है अपने को वो बड़ा एहसान सा काम देखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इसी की तो रेंज चाहिए ना आपको क्या करो देखो शॉर्टेस्ट <coughs> पॉसिबल uh, क्या हो सकता है उस पर सोचता है ना वही जो मैं पहले बता रहा था पहले हमने एक क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही कर लेते हैं इफ एक्स इज देन इट इज जीरो क्लियर है ना वे एक्स इज नॉट जीरो तो इसको नीचे ले जाके ना डिवाइड करके ऐसे लिख दो वन अपॉन वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अब बहुत इजीली हम सोच पाएंगे है है? ना? देखो क्या <coughs> देखिएगा, की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो सही है अब इसमें से वन सब कर लेते हैं तो वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन की रेंज कहां से कहां तक हो गई माइनस वन से इंफिनिटी तक तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है देखो जब रेसिप्रोकल करते हैं बच्चों तो नेगेटिव पार्ट का अलग से रेसिप्रोकल करना चाहिए पॉजिटिव पार्ट का अलग से करना चाहिए यानी इसको दो पार्ट में देखो ऐसे माइनस वन से जीरो तक का रेसिप्रोकल अलग करो और जीरो से लेके इन्फिनिटी का अलग करो जीरो का मत करो क्योंकि वो रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा तो क्या आएगा देखो इसकी रेंज आ जाएगी इस टर्म की रेंज दिस बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू इन दिस केस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से यूनियन और इधर इसका क्या हो गया जीरो right? वैसे तो यहां जीरो, पे आएगा यहां पे. लेकिन क्या है? जीरो यहां शामिल हो चुका है तो अगर मैं दोनों पार्ट को एक साथ मिला के देखू तो इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा तो ये रेंज है तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आर माइनस आर में से देखो कौन सा पोर्शन छोड़ा गया है माइनस वन से लेके जीरो तक का पोर्शन छोड़ा गया इसको लिख सकते हो आर माइनस टू ओके सो द राइट आंसर विल बी थर्ड देखिए फर्स्ट और थर्ड में बहुत केयरफुली नोटिस करने वाली बात है है ना एक इंटरवल का ही फर्क है यहाँ ओपन इंटरवल है वहां क्लोज इंटरवल है तो राइट आंसर होगा बच्चों थर्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो क्या है लेट एफ ऑफ दिस सबसे गौर करने वाली बात है ये ये कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टी है तो अगर आप इसको पहचान जाते हो तो समझ जाओगे कि एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए पावर एक्स राइट फिर दूसरी बात है देखो एफ वन का वैल्यू टू दिया हुआ है तो अगर हम इसको यहां इन्वॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा टू पावर एक्स क्योंकि आप एफ वन निकालोगे तो वो ए आएगा तो ए का वैल्यू टू हो गया तो ये अपना फंक्शन है अब यहां जाते हैं तो देखो सिग्मा के का वैल्यू वन से लेके टेन तक अपने को पुट करना है एफ ऑफ ए प्लस के क्या हो गया टू की पावर ए प्लस के सो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं टू पावर ए और टू पावर के करेक्ट यहां देखिए सिग्मा अप्लाई हो रहा है के पर तो ए तो कांस्टेंट है तो ये सिग्मा से बाहर आ जाएगा और आपको ये मिला के का वैल्यू वन से टेन और अब बहुत तसल्ली से सोच के देखिए के का वैल्यू जब आप पुट करेंगे वन टू थ्री फोर तो क्या बनेगा टू फोर एट यानी जी बनेगी एक, 2, 4, बने एक। जिसका फर्स्ट टर्म आएगा टू फर्स्ट टर्म क्या आएगा टू ये टू पावर एज इट इज है फर्स्ट टर्म टू है और कॉमन रेशियो भी टू है और नंबर ऑफ टर्म है टेन तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो करेक्ट तो कुल मिला के ये ये बन गया 2 A 1 2 10 1. अब हमें किसके बराबर दिया हुआ देखो यहाँ पे इसके बराबर तो अगर आप स्कोर इसको कंपेयर करो तो आप पाओगे कि इसका वैल्यू होना चाहिए बच्चों सिक्सटीन यानी ए प्लस वन का वैल्यू होना चाहिए फोर यानी ए का वैल्यू होना चाहिए थ्री सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ए मस्ट बी इक्वल टू थ्री तो ये ट्वेंटी क्वेश्चन था अब आते हैं ट्वेंटी वन पे द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज तो कुछ नहीं करना या डोमेन निकालना है तो बड़ा आसान है देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या है पहले तो इसको गौर करो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर का वैल्यू फोर नहीं होना चाहिए दैट मीनस एक्स शुड नॉट बी टू एंड माइनस टू ये दो पॉइंट छोड़ दीजिए लॉन्ग फंक्शन कब डिफाइन होता है जब उसका जो इनपुट है वो पॉजिटिव हो यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों यानी एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए अब आप यहाँ यूज कर लो मेथड ऑफ इंटरवल देखिए माइनस वन पे जीरो पे और वन पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी बाकी ये प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे तो पॉजिटिव ये कहाँ बनेगा इस इंटरवल में यानी यहाँ से मुझे मिला कि एक्स की वैल्यू मुझे लेनी चाहिए माइनस वन से जीरो तक यूनियन वन से इंफिनिटी तक लेकिन अगर मैं इसको भी शामिल कर लूं कि मुझे दो और माइनस दो को छोड़ना है तो देखिए माइनस दो तो इसमें आ नहीं रहे हैं दो और आप यहाँ से हटा दो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और सेपरेट करके लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो यूनियन वन टू टू एंड यूनियन टू टू इंफिनिटी तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है हाँ? आपके पास बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन है ना सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके स्टूडेंट अब आते हैं 22 पे, कुछ इस तरह से है ये समझने वाली चीज है कि ये क्या कहना चाह रहा है जी ए क्या है मतलब जी जो फंक्शन है उसका इनपुट क्या होगा एक सेट होगा ए फिर हम उसको यहां डालेंगे तो एफ एक्स बिलोंग टू ए स्क्वायर एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर जो इधर दिया हुआ है ये सेट ए में होना चाहिए इसके लिए जो एक्स की वैल्यू आएगी वो जी ए सेट होगा ओके एक्स गिवन अ क्लोज इंटरवल जीरो टू फोर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ओके आ जाओ पहले पे आते हैं देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा अगर इन सबको ध्यान से देखें हम तो एक एक करके हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एस अब एफ ऑफ एस का क्या मतलब है f में तो जो भी आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो s जो है सेट अपना वो है जीरो से चार तो इसमें से इनपुट लेके अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कहाँ से कहां तक मिलेगा जीरो से लेके सिक्सटीन तक तो इसका मतलब एफ ऑफ एस जो आएगा वो सेट आएगा जीरो से सिक्सटीन ओके चलिए सेकेंड ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूँ जी एस देखिए जी एस का क्या मतलब है जी का मतलब है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एस करो यानी बच्चों एक्स स्क्वायर होना चाहिए एस में एस में मतलब जीरो से चार में तो बताओ एक्स कहां से कहां तक होगा तो सी बात अगर एक्स स्क्वायर जीरो से चार है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू से टू तो माइनस टू से टू ये है जी एस समझ में आ रही है बात आगे चलते हैं फिर जैसे एफ ऑफ जी एस मुझे कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ जी एस ये क्या आएगा देखो बच्चों जी एस हम पहले निकाल चुके हैं माइनस टू से टू है तो ये हो गया एफ ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस टू से टू तो अगर इसको इनपुट दें हम माइनस टू से टू किसको को एफ को और एफ क्या आउटपुट में क्या देगा उसका स्क्वायर तो माइनस टू से टू का आप स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पूरी जीरो से लेके फोर तक ठीक है अब हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं जी ऑफ एफ एस एफ एस क्या है ये पहले निकाल चुके हैं हम एफ एस रहा भाई जीरो से सोलह तो इसका मतलब जी को इनपुट मिला जीरो से सोलह तो जी का आउटपुट क्या होगा जीरो से सोलह का जी निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई जीरो से सोलह तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है ये होना चाहिए माइनस फोर से फोर तो अब हमारे पास ये चारों आ गए अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कि नहीं है क्या एफ ऑफ जी एस और एफ एस बराबर है एफ ऑफ जी एस आ रहा है जीरो टू फोर एफ ऑफ एस आ रहा है जीरो टू सिक्सटीन तो ये तो बराबर नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा ही बोल रहे हैं ये कुछ गलत कर गया क्या मैं एफ ऑफ एस एफ ऑफ एस है, है जीरो टू फोर तो बच्चों उसका स्क्वायर नहीं देखो गलत पढ़ रहे हैं ना एफ ऑफ जी एस इक्वल टू एस बोला है तो ये एस ही तो आ रहा है वापस से तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है इसलिए ये आपका आंसर नहीं है क्या जी ऑफ एफ एस एस आ रहा है ये जी ऑफ एफ एस क्या ये एस आया तो आप पाओगे कि कतई नहीं आया है ना तो इसका मतलब ये एस नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है सही है मतलब आंसर नहीं है क्या एफ ऑफ जी एस एफ एस आएगा एफ ऑफ जी एस आया जीरो कोमा फोर और एफ एस आ रहा है जीरो कोमा सोलह तो मतलब नहीं आ रहा है तो ये दोनों बराबर नहीं है ये भी यही कह रहा है बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन वैसे तो सही है स्टेटमेंट लेकिन आंसर में नहीं है क्योंकि आंसर में मैं गलत ऑप्शन टिक आउट करना तो बच गया चौथा डेफिनेटली यही गलत है देखो जीओ एफ एस जो है वो आ रहा है माइनस चार से चार जी एस आ रहा है माइनस दो से दो और ये बराबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि बराबर है तो ये ही स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन था ट्वेंटी टू और बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगले क्वेश्चन पे आ जाओ वाल

जीएक्स यानी कि ये साइन इनवर्स ऑफ अरे ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई सारे देखो ये दोनों इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के खत्म लॉग और ई e एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होता है तो ये तो एक्स ही आ गया मतलब एफ ऑफ जी एक्स जो है वो एक्स आएगा और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं एफ ऑफ जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो अपने पास आएगा वन तो बच्चों इस तरह से देखा जाए तो ए का वैल्यू तो वन हो गया यहाँ माइनस एक्स था क्या ओ भाई यहाँ देखो गलती हो जाती है यहाँ देखो यहाँ यहाँ माइनस एक्स से बाल को तो यहाँ भी माइनस लगाओ तो ये भी माइनस वन आएगा तो ए का वैल्यू तो हो गया माइनस वन और बी कितना हो गया बी किसके बराबर बी एफ ओ जी अल्फ़ा है तो आप इसमें एक्स की जगह अल्फा डालते तो आपको माइनस अल्फा मिलता तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई अब चेक कर लो इसको कौन सा ऑप्शन सही है देखो ए अल्फा स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो देखो बच्चों ए अल्फा स्क्वायर का मतलब तो हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर ठीक है बी अल्फा अगर निकालें तो बी अल्फा का मतलब हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर ही हो गया है तो ठीक है और ए का वैल्यू है कितना माइनस वन तो माइनस ए का वैल्यू हो गया वन तो पहले ऑप्शन में मुझे कह रहा है कि इसमें से इसको घटा दें ठीक है और फिर इसको जोड़ दें तो देखो इसमें से इसको घटाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा जोड़ोगे तो वन आना चाहिए दिया हुआ है जीरो तो ये गलत हो गया और ये वाला सही हो गया देखो तो सेकेंड ऑप्शन सही है बाकी दो आप पुट करके चेक कर सकते हो वो अविशी बात है सही नहीं होंगे और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा है कि ट्वेंटी फोर पे आ जाओ कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई बाई टू बराबर अल्फा ठीक है जी एक्स वाई बाई टू से छोटा है फॉर ऑल दिस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स ओके ये थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है देखो अब यहाँ देखो ध्यान से तुम्हें जो टर्म कैलकुलेट करनी है ना उसमें तुम्हें कॉस अल्फा दिख रहा है अल्फा अपने को दिया हुआ है तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई सीधे सीधे इस पे आ जाओ कॉस अल्फा बराबर हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए बोल देता हूं और कॉस इनवर्स वाई बाई टू को बी बोल देता हूं ऐसे तो ये कॉस ए माइनस बी हो गया यहां बच्चों हमने ए किस बोला भाई कॉस इनवर्स एक्स को तो इसका मतलब कॉस ए का वैल्यू एक्स हो गया और ठीक इसी तरह से बच्चों कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा वाई बटे दो इस बात को ध्यान रखना इसको आ जाओ सोल्व कर लेते हैं तो कॉस अल्फा बराबर कॉस ए माइनस बी का फार्मूला सबको आता होगा भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी ठीक है तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई कॉस ए का मतलब एक्स वाई बटे दो प्लस अगर कॉस ए का वैल्यू एक्स है तो साइन ए का वैल्यू हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सिमिलरली ये हो गया अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बटे चार ठीक है अब इन से मुक्ति पाने के लिए क्या करो इस टर्म को इधर ले आओ तो इधर लाओगे देखो क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई बटे दो ठीक है भाई इधर अंडर रूट में ये दोनों नंबर गुणा हो जाएंगे तो क्या मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे चार और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे चार ये मिलेगा आपको अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो आपको देखो क्या प्राप्त होता है दिस दिस तो बराबर में यह सब वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई फोर ये टर्म तो भाई सीधे सीधे इससे कट गई ओके अब सुनो ध्यान से इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर ले आओ मेरी तरफ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया माइनस का एक्स वाई और कॉस अल्फा और इधर क्या बच गया वन और ये कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाओ तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक है बच्चों और ये बन गया कितना साइन स्क्वायर अल्फा अब अपने को जो कैलकुलेट करना है हमें ऐसा लगता है कि एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने ना ये बाई फोर है पे ये वाला। तो यहाँ पे गुणा कर दो तो आपको क्या मिला देखो? फोर एक्स प्लस वाई के फोर एक्स वाई और सामने मिल गया बच्चों तो ये वो टर्म आ गई जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी फोर एक्स स्क्वाइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू आती है फोर साइन स्क्वायर अल्फा तो है कोई ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही है ओके okay? तो ये आई का क्वेश्चन था बट आई देखो आपको ज़्यादा यूज नहीं हुआ आई के क्वेश्चन को आप ट्रिगो यूज करके करोगे तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं स्पेशली इन जेई मीन्स अब आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एक्स का वैल्यू ऐसा है एफ एक्स गिवन है जी एक्स गिवन है एच एक्स गिवन है फाइव एक्स दिया हुआ अपने को और इसकी वैल्यू निकालनी पाइव बाई थ्री पे वो तो बहुत आसान हो गया देखो एच का मतलब एच 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 का मतलब ये रहा वन माइनस चलो इसको बाद में डालेंगे तो एच ऑफ एफ ऑफ एफ का मतलब है है ऑफ़ जी जी एक्स 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 का मतलब टेन टेन और अब x की जगह आपको क्या डाल देना पाई बाई थ्री तो ये कैलकुलेट करना बस आपको तो ये कितना हो गया देखो टेन पाई बाई थ्री कितना होता है टेन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री रूट थ्री का अंडर रूट तो थ्री की पावर वन बाई फोर हो गया ये अब बाई यूजिंग दिस डेफिनेशन ये उठा के डाल दीजिए वहां पे तो कितना मिलेगा देखिए वन माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री ऐसा बन गया है वन माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री ये आंसर है वैसे तो बट आपको आइडेंटिफाई करना है किसके बराबर है तो मैं आपको बताऊं अगर आप चाहें तो इसको देखो क्या लिख सकते हो वन तो होता है बच्चों टेन फोर्टी फाइव डिग्री है ना तो ये बेसिकली टेन फोर्टी फाइव डिग्री माइनस थर्टी डिग्री है यानी कि बच्चों ये ये हो 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 गया 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 नहीं है, वही, रूट थ्री है ना तो हो गया, तो ये हो गया, पंद्रा डिग्री। पंद्रा को अगर आप रेडियन में लिखना चाहो पंद्रह डिग्री को तो क्या लिखेंगे हम पाई बाई ट्वेल्व तो माइनस का टेन पाई बाई ट्वेल्व है कोई ऑप्शन नहीं है भाई तो सारे ऑप्शन प्लस में है तो कोई नहीं हम ये फार्मूला लगा लेते हैं कि भाई टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा तो इसलिए हम टेन पावर ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं टेन पाई माइनस पावर ट्वेल्व तो ये कितना बन गया टेन एलेवन पावर ट्वेल्व ये रहा टेन इलेवन पावर ट्वेल्व तो आपका करेक्ट आंसर हो गया टेन अलेवन पावर ट्वेल्व चलो नेक्स्ट आंसर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिए आप ध्यान से ओके साइन इनवर्स ऑफ दिस माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस का वैल्यू क्या होगा ये सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है है ना फॉर्मूला याद दिला दू मैं आपको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो ये होता है तो बस आपके पास एक्स तो क्या है यहाँ पे अपने पास यहाँ एक्स का वैल्यू है बच्चों बारह बटे तेरह ठीक है और वाई का वैल्यू कितना है तीन बटे पाँच एक्स का वैल्यू बारह बटे तेरह तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करोगे ना तो ये आएगा पांच बटे तेरह और वाई की वैल्यू यहां डाल दो तो ये आएगा चार बटे पांच अब इसको सरल कर लो कितना आया साइन इन्वर्स देखो जी दोनों का डिनोमिनेटर तो हो गया सिक्सटी फाइव ये हो गया अड़तालीस और ये हो गए पंद्रह तो तुम बच्चों ऐसे करो कि अड़तालीस में से पंद्रह घटा लो तो तुम्हें मिले थर्टी थ्री तो साइन इनवर्स तैंतीस बटे पैंसठ आ गया ये है किसी ऑप्शन में किसी में भी नहीं है बदलना पड़ेगा इसको ठीक है <kuh> तो साइन इनवर्स तैतीस बटे पैंसठ को अगर आप कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखो ठीक है तो ये कितना हो जाएगा देखो पैंसठ तो आएंगे, आएंगे। में पैंसठ का स्क्वायर माइनस तैतीस का स्क्वायर तो इसको ये अंडर रूट में है ना तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पैंसठ प्लस तैतीस और पैंसठ माइनस तैतीस तो पैंसठ माइनस तैतीस करो कितना आया देखो टू और छह और ये तीन तो तीन ही हो गए बत्तीस गुना और पांच और तीन आठ और छह और तीन नौ तो इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, ये मेरे ख्याल से हैं। टू इन टू फोर्टी नाइन हो गया और ये बत्तीस गुणा तो चौसठ हो गए तो आठ इधर हो गए सात इधर हो गया और ये हो गया फिफ्टी सिक्स तो कॉस इनवर्स छप्पन बटे पैंसठ लिख सकते हैं ये भी नहीं है तो कॉस इनवर्स है तो आप इसको ऐसे लिख लो फिर फाइव बाई टू माइनस साइन इनवर्स फिफ्टी सिक्स बटे सिक्सटी फाइव ये है कहीं फाइव माइनस साइन ये रहा देखो सेकेंड ऑप्शन तो इसका सही आंसर है बच्चों सेकेंड तो आई होप समझ में आ गया होगा कुछ भी नहीं करना था एक फॉर्मूला जो सभी को पता होता है बस उसी को अप्लाई करना था ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन में आ जाओ ए बी सी सेट है इस तरह से है कि ए इंटरसेक्शन बी सी है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है आ जाओ देखो सुनो ध्यान से पहला पहला उठाते हैं सी यूनियन ए को मिला लिया सी और बी को भी मिला लिया अब इनका कॉमन देखा तो भाई इनमें एक तो C तो common आएगा या आएगा ठीक है और उसके अलावा क्या कॉमन आएगा जो ए और बी में कॉमन होगा वो भी आ जाएगा मतलब जो पहला में ये पार्ट है ये डेफिनेटली सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपको समझ में आ रहा है सी ऐसे समझो सी और ए ठीक है सी भी है ए भी है इधर सी भी है बी भी है अब इनका कॉमन लेना तो सी तो कॉमन ही है उसके अलावा अगर ए और बी में कुछ कॉमन हुआ तो वो भी आ जाएगा तो ये आ गया अब हमें ये भी दिया देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट सी का ही सबसेट है मतलब ये टर्म ऑलरेडी इसमें है तो अगर इसको इसके साथ मिलाओगे तो आंसर तो सी ही आना है तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है इसलिए आंसर नहीं है ओके सेकंड पे आते हैं सेकंड देखो क्या है कि अगर माइनस सी बी का सबसेट हो तो क्या अच्छा इसको देखो डायग्राम से समझाता हूं जैसे मान लो बच्चों ये तो क्या है सेट ये क्या है सेट बी ठीक है अब मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन यानी ये वाला जो पार्ट है सी मुझे ऐसे बनाना है कि ये वाला पार्ट जो है सी में आ जाए अब ये कह रहा है कि अच्छा अगर ऐसा हो कि ए माइनस सी जो है वो बी के अंदर आता हो सोचो तो क्या ए बी का सबसेट होगा अब यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं मैं ऐसे ले रहा हूं कि भाई सी कौन सा सेट है ये सेट सी हो गया सोचो करेक्ट तो अब आपको सारी कंडीशन फुलफिल होती हुई दिख रही है ए माइनस बी जो है ए इंटरसेक्शन बी सी में आ रहा है और ए माइनस सी तो फाइव हो जाएगा यहां पे क्योंकि ए पूरा का पूरा सी में है और फाइव बी का सबसेट बिल्कुल होता है फाइव सब का सबसेट होता है तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन क्या यहाँ पे ए बी का सबसेट बन रहा है तो आप देखिए नहीं बन रहा भाई ए का ये वाला हिस्सा बी के बाहर है तो इस सूरत में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो बस यही पता करना था कौन सा गलत है तो यही गलत है और यही आपका सही आंसर है भागी को चेक करने की अब जरूरत नहीं है बाकी आप चाहो तो कर सकते हो चले ट्वेंटी एट द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टू इज ओके पहले तो इसको समझ लो ये क्या है तो मैं इसको यू बोल दू यू तो यू बराबर है एन इनवर्स इसमें ना ऊपर नीचे कॉश एक्स का भाग दे दो और इसको ऐसे लिख दो वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन पहचान गए क्या बच्चों ये बच गया एक्स माइनस फाइव आई फोर आपके पास ओके और v जो है वो क्या है वो है x बाई टू आपको कैलकुलेट करना है du यू बाई डी तो ये किसके बराबर हो जाएगा du यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स देखिए यू का अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वन आएगा इसका करोगे वन बाई टू आएगा आंसर आ गया बच्चों टू है कहीं ये रहा तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वैसे ओवरऑल आप देखो तो पाओगे कि जेई मेन में, में मैथ्स के क्वेश्चन बड़े आसान ही आते हैं आपको बस अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है काफी लंबा सा सवाल है इफ बॉक्स एक्स डी ठीक है ये सब जानते हैं हम देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां कॉमा होना चाहिए ना दो इक्वेशन है एक ये वाली और एक ये वाली और ये होमोजेनियस इक्वेशन है ध्यान से देखो सामने कांस्टेंट वैल्यू जीरो है तो ऐसे में इसका जो डिटर्मिनेंट इसके जो रूट्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे डेल्टा पे डेल्टा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट एक्स का कोफिशियंट क्या है भाई बॉक्स ऑफ साइन थीटा पहले में y का कॉफिशियंट क्या है बॉक्स ऑफ माइनस कोस थीटा और फिर यहां दूसरी इक्वेशन में आ जाओ बॉक्स ऑफ कोट थीटा और y का कॉफिशियंट है तो देखो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा अगर ये जीरो हो गया ठीक है अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो डेल्टा जीरो है तो ऐसे में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे ओके और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो यूनिक सोल्यूशन आएंगे नो no सोल्यूशन तो आते ही नहीं है ना होमोजीनियस में क्योंकि एक सॉल्यूशन जीरो जीरो तो इसका हमें दिख ही रहा है तो देखना यह है कि ये जीरो होता है नहीं होता है अब अगर आप सारे ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखो तो आप पाओगे दो ही तरह के इंटरवल में बात हो रही है पाए बायू से टू पाए थ्री में और पाई से सेवन पाए बाय सिक्स में तो आइए इसको समझते हैं देखो साइन कॉस के बारे में बात करते हैं ये साइन एक्स का ग्राफ होगा यू ठीक है बच्चों और कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो आप जानते हो यू है ग्राफ से सोचना मुझे ज्यादा इजी लगता है ना पाई बाई टू से टू पाई बाय थ्री ये पाई बाई टू नब्बे से एक सौ बीस के बीच में ये रहा भैया साइन साइन का वैल्यू कैसा है नब्बे से एक सौ बीच में साइन का वैल्यू जीरो से वन के बीच में है तो अगर ये नंबर जीरो से वन के बीच में है तो इसके बॉक्स का वैल्यू क्या हो गया जीरो ठीक है यानी कि ये देखो इस इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल में डेल्टा क्या बन जाएगा डेल्टा वन बोल रहा हूं फर्स्ट इंटरवल में यहां आएगा जीरो ठीक है ओके इसी इंटरवल में 90 में आप देखो कॉस थीटा क्या है जीरो और 2 पावे 3 तक ये नेगेटिव होगा तो कॉस थीटा जीरो से माइनस वन के बीच में है तो माइनस कॉस थीटा क्या हो गया माइनस वन से जीरो के बीच में हो गया ठीक है तो माइनस वन से जीरो के बीच में है तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वन तो वो फिर गलती कर गया मैं है, है ना फिर से सुनो ये कॉस्टिटा की बात हुई ना ये तो कॉस्टिटा माइनस वन से जीरो के बीच में है माइनस थीटा है तो जीरो से वन के बीच हो जाएगा और उसका बॉक्स हो जाएगा जीरो तो ये जीरो चाहे जो भी हो डेल्टा वन तो पक्का जीरो ही आएगा इसका मतलब पहले इंटरवल में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं डेल्टा टू क्या आता है देखिएगा हाजी भाई डेल्टा टू पाई सेवन पाई बाय सिक्स तो देखो ये रहा पाई और ये सेवन पाई बाय सिक्स आगे तो पाई से सेवन पाई बाय सिक्स में ये किसकी वैल्यू है साइन थीटा की जो नेगेटिव है तो इसका बॉक्स लोगे तो क्या आएगा माइनस वन तो यहाँ आएगा माइनस वन यहाँ पे वन है ही यहाँ क्या आता है कॉस को देखो पाई पे कॉस की वैल्यू माइनस में है ऐसे ठीक है तो वही नेगेटिव है कॉस अभी भी इस इंटरवल में भी कौन सा इंटरवल है ये पाई के आगे थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव है तो माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और उसका बॉक्स क्या आ जाएगा जियो

आ रहा है उसके बेसिस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कांस्टेंट बन जाएगा भाई जी एक्स x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है जी ऑफ एफ एक्स ये है तो बताओ एफ ऑफ फाइव बाई फोर क्या होगा अच्छा एक काम करो ये तो समझते ही इसका मतलब है g ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना तो मैं इसमें x की जगह डाल देता हूं फाइव बाई फोर तो ये इधर ऐसा हो गया सामने क्या बन गया फोर और ये हो गया भैया पच्चीस बटे तो ये कट जाएंगे चार बचेंगे यहाँ पे माइनस दस गुणा पाँच बटे चार तो भैया ये कटे ये कटे दो पाँच और ये तो ये कट के हो गया सारा पच्चीस बटा दो ओके और प्लस के पाँच सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ पच्चीस बटा चार में से माइनस के पच्चीस बटा दो घटाओगे ना तो माइनस के पच्चीस बटे चार बच जाएंगे और भैया इसमें पाँच जोड़ो पाँचों बीस और पच्चीस माइनस के पाँच बटे चार मिले आप किसकी वैल्यू जी ऑफ एफ ओफ फाइव बाई फोर की अब मैं एफ ऑफ फाइव बाई फोर को टी बोल दूँ थोड़ी देर के लिए कि भाई चलो ये टी है और मुझे टी का वैल्यू निकालना है तो ये जी टी हो गया तो जी टी किसके बराबर होना चाहिए टी स्क्स वन के चार को इधर ले आओ सब को एक लेर प्लस फोर टी माइनस के चार माइनस का पांच इधर आएगा प्लस का वन बचेगा तो बच्चों यहाँ से आपको टी की ए की वैल्यू मिली माइनस एक बटा दो और टी ही किसको माना था अपन ने एफ ऑफ फाइव बाई फोर को

मतलब इफ पी देन क्यू यदि पी तो क्यू इस तरह का कोई स्टेटमेंट है तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव होता है निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी ओके अब अपने पास देखो क्या दिया हुआ है कि इफ दिस देन दिस ये है पी इंप्लाइज क्यू तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो गया इसका नेगेटिव सबसे पहले यानी कि ए और ये इसको काट दो सी ठीक है इंप्लाइज इसका नेगेटिव अब इस पर नेगेटिव लगाएंगे ना तो इसका नेगेटिव क्या हो गया ए और ये बी ठीक है भाई और ये देखो तथा इंग्लिश में क्या लिखा हो एंड एंड का नेगेटिव क्या होता है और तो यहां आएगा और या हिंदी में जिसको कह सकते हो या अथवा जो भी बोलना चाहो और इसका नेगेटिव यानी कि बी इज नॉट इक्वल टू डी इंप्लाइज को आप लिखना चाहो तो ये इफ और देन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा तो इफ दिस, देन दिस अब ढूंढो ये कहां है ये इन तीनों में तो मैच कर गया देखो ये गड़बड़ है इसमें एंड लिखा ये रहा ठीक है तो फोर्थ जो है अपना वो सही आंसर हो गया तो बहुत ही आसान था आपको बस कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस इन माइनस वन टू वन किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना हो क्या फंडा है कि जैसे आपको वाई बराबर एफ एक्स दिया हुआ है तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करो एक्स वाई को आपस में बदल डालो एक्स बराबर एफ वाई हो गया अब यहां से सॉल्व करके वाई निकालोगे तो वो अपने आप किसके बराबर आएगा एफ इनवर्स एक्स के तो ये फंडा हम लगा देते हैं एक्स वाई को बदल डालो ये एफ एक्स मतलब ये वाई है वाई बराबर दिस तो जैसे आप बदलोगे तो एक्स बराबर हो गया आठ की पावर टू वाई माइनस आठ की पावर माइनस टू आई अपॉन एट पावर टू आई और प्लस एट पावर माइनस टू आई इसके नीचे से वन लिख के मैं इसमें बच्चों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूँ है ना तो इस एक्स को ऊपर ले जाकर जोड़ देते अपन तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर क्या आएगा देखो इनको ऊपर ले जा जोड़ोगे तो दो गुणा आठ की पावर टू आई आ जाएगा इसमें से इसको घटा के नीचे लिखोगे तो माइनस दो गुणा आठ की पावर टू वाई होगा दो दो तो कट गए ठीक है माइनस टू आई ये ऊपर चला जाएगा इस माइनस को मैं इधर एडजस्ट कर देता हूं तो मुझे ऐसे मिलेगा कुल मिला के वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एट पावर फोर वाई अब तुम्हें तो वाई निकालना है ठीक है तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है तो इसको हटाओगे तो सामने लॉग बन जाएगा यानी बच्चों फोर वाई का वैल्यू आया लॉग बेस एट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इस फोर को यहां से हटा के इधर चिपका दो तो ये आ गया वाई यानी कि एफ इनवर्स एक्स तो है किसी ऑप्शन अच्छा, में अच्छा देखो यहां ऑप्शन में क्या बेस ई e बना रखा है तो अपन भी बना लेते हैं अगर आप इसको बेस ई e में बदलना चाहो तो क्या लिखना पड़ेगा लॉग एट और ई मल्टीप्लाई विद लॉग बेस ई और वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आई होप ये बेस चेंज प्रॉपर्टी सब बच्चों को आती है तो बच्चों कौन सा सही हुआ सेकेंड ओके सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एफ वन कॉमा थ्री आर बी ए बाय दिस देन द रेंज ऑफ एफ ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है घबराना नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है एक कांस्टेंट बस उस कांस्टेंट की वैल्यू कब क्या होगी ये देखना है देखो बच्चों अगर मैं एक्स को लेता हूं वन से टू है ना इस इंटरवल में लेना तो वन से टू में लेंगे तो एक्स का बॉक्स हो जाएगा वन और आपको मिलेगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ओके अगर मैं एक्स को लेता हूं टू से थ्री तो बॉक्स हो जाएगा टू तो आपको मिलेगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब थोड़ा सा काम अपन ये कर लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए कि कोई मैक्सिमा मिनिमा तो नहीं आता है बीच में मैं एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ डैश लगा देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा नीचे तो भाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होली स्क्वायर ठीक है ऊपर इस एक्स का डिफरेंशिएशन वन और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस अब की बार ये एक्स एज इट इज और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स तो ये गुणा हो गया ऐसा बन गया कुल मिला के ये बन गया देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर देखिए ऊपर वाली राशि ये जो नीचे वाली राशि है तो हमेशा पॉजिटिव होगी तो इसका चिन्ह डिपेंड करेगा ऊपर वाली राशि पे ऊपर वाली राशि को आप देखिए माइनस वन और वन पे जीरो हो जाएगी यहाँ डालेंगे तो अगर आप वन से ज़्यादा वैल्यू डालते हो तो ये राशि कैसी आएगी नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव तो बच्चों वन के आगे ये फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग अगर आप इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये दो से गुणा ही होगा तो दो से गुणा होने से चिंतो बदलेगा नहीं तो दोनों ही फंक्शन वन के आगे क्या है डिक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे इनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसलिए जब मैं एक्स का वैल्यू लूंगा एक से दो तो एफ एक्स का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक होगा समझना घट रहा है ना तो शुरू में ज़्यादा वैल्यू आएगी तो वन पे मैक्सिमम आ जाएगा तो इसमें वन डालो कितना आ रहा है एक बटा दो ठीक है भाई तो एक बटा दो आएगा इसका अधिकतम मान और फिर कम होते होते दो पे सबसे कम मान आएगा इसमें दो डालो दो बटे पांच तो ये हो गया बच्चों दो बटे पांच ठीक है ऐसे जब एक्स का वैल्यू लूंगा मैं क्लोज इंटरवल दो से तीन तो भी फंक्शन तो डिक्रीजिंग है तो इस केस में एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी तो भैया सबसे पहले दो डालोगे तो अधिक दो पे मैक्सिमम आ जाएगा दो डालो इसमें कितना हो गया चार बटे पांच है ना तो ये चार बटे पांच आएगा आगे ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है क्लोज इंटरवल के साथ आएगा ठीक है क्योंकि तो दो पे इंटरवल अपना क्लोज है थ्री पे क्या आएगा भाई थ्री, थ्री 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 इसमें पुट करो छ और नौ और एक दस छ बटा दस तीन बटा भी बोल सकते हैं तो ये हो गया तीन बटा पाँच. ओके तो अब बताबें रेंज क्या हुई तो रेंज के लिए हमको इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा फंक्शन को दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा देखो दो बटा पाँच कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली ऐसे देखें तो जीरो पॉइंट चार हो गया, गया है ना और ये कितना है भाई ये जीरो पॉइंट पाँच है और ये कितना है ये जीरो पॉइंट छः है और ये जीरो पॉइंट आठ है तो इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं तो बस इन दोनों का यूनियन अलग अलग यूनियन ले लो वही अपना आंसर हो गया तो दो बटा पांच से एक बटा दो ओपन इंटरवल और तीन बटा पांच से ये भैया ये थर्ड आंसर ही आपका सही है ओके तो चलिए अब चलते हैं वैसे तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है इस में कैसे आ गया सोचेंगे इस पे एफ डैश एक्स देखो क्या है अच्छा आई टी एफ है ना इसमें इसलिए इसको हमने यहाँ डाल दिया टेन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स सही है अब आप बता सकते हो वन प्लस एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है हाफ एंगल में अगर इसको तोड़े तो तो नहीं तो फिर मेरे से सुनो टेन इनवर्स तो अपनी जगह है ही ठीक है देखिए वन प्लस साइन एक्स के बजाय ना इसको कॉस में बदल लो तो फार्मूला बन जाए उसको ऐसे लिख दूंगे वन प्लस कॉस By minus x. और नीचे लिख देते हैं ओके बच्चों रहा है है बाहर क्या होता ठीक और ये बनेगा नीचे टू साइन थीटा बाई टू कॉस्टिटा बाई टू टू से टू कट जाएगा कॉस्टिटा से कट जाएगा फिर भी ऊपर कॉस्थीटा बाई टू बचेगा नीचे साइन थीटा बाई टू बचेगा यानी कि मुझे मिल जाएगा यानी ये बन जाएगा कॉट तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू तो ये ऐसे बन गया अब आप इस बाहर वाले टेन इनवर्स को बदल के ऐसे लिख दो पाई टू, इन्वर्स। और सॉरी ठीक है तो रुको इसको हटाओ क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स ऑफ कोट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू ठीक है बच्चों इसकी इसकी कहानी खत्म ये पाई पाईवाई टू वैसे पाई बाई फोर घटाओगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई फोर और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू ये मिल गया आपको राइट तो ये है बच्चों एफ डैश एक्स तो फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन कर लो पाई वाई फोर का इंटीग्रेशन हो गया पाई बाई फोर गुणा एक्स और x बाई टू का हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर बाई फोर और साथ में कांस्टेंट भी आएगा c c निकालने के लिए अपने को दिया हुआ देखो एफ ऑफ जीरो जीरो है तो अगर आप इसमें जीरो डालोगे तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू c आएगा इसका मतलब c जीरो होना चाहिए तो ये c जीरो हो गया तो बस ये फंक्शन है एफ वन निकालना इसमें वन डाल दो तो एफ वन कितना आ गया अपने पास फाइव बाई फोर प्लस वन बाई ये रहा बच्चों तीसरा आंसर आई होप समझ में आ रहा होगा जेई मेंस के क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है बस आप लोगों ने क्लास में प्रॉपरली ध्यान दिया हो ना और सारे फार्मूले वगैरह याद हो तो सब सॉल्व हो जाते हैं एफ एंड जी भी डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन आर सज एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन है मतलब अगर आप एफ ऑफ जी एक्स ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा एक्स ये सवाल तो खूब कराया जाता है क्लास में अब इसका डिफरेंशिएशन करें अगर हम तो क्या मिलेगा देखो एफ डैश ऑफ जी एक्स चेन रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का इनटू जी डैश एक्स बराबर वन अभी हमें बोल रहे हैं कि जी ए का वैल्यू वन है तो आप इसमें एक्स की जगह ए डाल दो एक्स की जगह में ए डाल दो तो बच्चों ये हो एफ डैश ऑफ जी ए बराबर वन इधर आ जाओ जी ए का वैल्यू कितना दिया देखो बी तो आपको मिला एफ डैश ऑफ बी जी डैश ए का वैल्यू पांच सामने है वन खत्म हो गया लो सवाल एफ डैश बी का वैल्यू आया वन बाई फाइव ये रहा क्वेश्चन आगे चलो थर्टी सिक्स इफ ए देखो मोड एक्स दो से छोटा कब होता है भाई जब एक्स का वैल्यू क्या हो ओपन इंटरवल में लेना है माइनस दो से दो ना तो इसका मॉड लो गई किसी भी नंबर का तो दो से छोटा तो ही आएगा तो यही अपना सेट ए हो गया ठीक है बी भी एक सेट है उसमें कह रहा है मॉड एक्स माइनस टू तीन से बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब एक्स माइनस टू कैसा होना चाहिए या तो माइनस तीन से छोटा या फिर एक्स माइनस टू होना चाहिए प्लस तीन से बड़ा आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा मोड को कैसे हटाते हैं में।, में। इससे आपको एक्स क्या मिला ये उधर जाएगा देखो तो माइनस वन से छोटा होना चाहिए माइनस इनफिनिटी से माइनस वन तक यूनियन फाइव से इन्फिनिटी तो बच्चों ये पूरा हो गया अपना सेट बी तो ये सेट ए है सेट बी है करना क्या है b माइनस ए उसमें से इसको घटाओ देखो क्या आएगा ठीक है नंबर लाइन पे शो करता हूं देखो ये माइनस वन और ये पांच तो ये है B. b माइनस ए का मतलब होता है बी में से वो एलिमेंट घटा दो जो A में आते हैं a में क्या आते हैं माइनस टू से टू टू यहां कहीं आएगा माइनस टू यहां कहीं आएगा तो इसके बीच वाला सारा पोर्शन आप हटा दो तो ये यह यहां से लेके यहां तक का चला गया तो कौन सा बचा है? ये वाला और ये वाला ठीक है माइनस टू तो था ही नहीं इसमें तो माइनस टू भी बचेगा क्लोज इंटरवल में ये ये यानी बचेगा माइनस माइनस से टू, से क्लोज इंटरवल यूनियन इनफाइनाइट तो चेक करो जरा यही है क्या तो उन्होंने अलग तरीके से लिखा है ना उन्होंने कहा भाई माइनस दो से लेके पांच के बीच के नंबर छोड़ दो तो बिल्कुल यही तो बचेगा अगर आप आर में से पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंफिनिटी में से ये इंटरवल हटा दो तो यही ऑप्शन सही है बाकी चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है बाकी आप चेक कर सकते हैं चाहे तो तो इस तरह से हम आ गए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे थर्टी सेवन क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है और सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए हमको तो क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं एक शहर में दो समाचार पत्र ए और बी प्रकाशित होते हैं यह ज्ञात है कि शहर की पच्चीस परसेंट जनसंख्या ए पढ़ती है देखो क्या करो ऐसे मान लो ये पूरा शहर हो गया ठीक है ये ए, ये वो लोग यहां रहते हैं जो अखबार ए पढ़ते हैं यहां वो लोग रहते हैं जो बी पढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों अखबार पढ़ते हैं सबसे पहले उन्हीं को पकड़ो आठ परसेंट ए तथा बी दोनों पढ़ती है आठ परसेंट जनसंख्या ऐसी है? मतलब ये कितने परसेंट है आठ परसेंट है ठीक है पूरे शहर को सो परसेंट राइट तो सो में से आठ लोग ये हैं ऐसे मान लो आप परसेंट है बोल नहीं रहा हूं मतलब आठ परसेंट है ठीक है अब कह रहा है तो आठ लोग तो इधर हो गए तो बचे कितने में बचे है। तो 17 परसेंट पब्लिक ऐसी है, जो इधर है मतलब वो केवल यही पड़ती है बी नहीं पड़ती बी में टोटल बीस परसेंट आना चाहिए तो आठ ये तो बारह लोग यहाँ हो गए बारह परसेंट ठीक है अच्छा सब मिला के कितना हो गया बारह आठ बीस बीस और सत्रह हो गए भैया सैंतीस तो सौ में से आप सैंतीस घटा लो तो सौ में से तीस सत्तर सत्तर में से सात गए तो तिरसठ परसेंट लोग ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं ठीक है थीके? आगे से चलते हैं इसके अतिरिक्त ए के पढ़ने तथा तो बी के ना पढ़ने वालों में ऐसे जो ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते मतलब ये जो सत्रह परसेंट लोग हैं इनमें इनका तीस परसेंट है ना वो विज्ञापन देखते हैं बहुत अच्छी बात है इनका तीस परसेंट तो सत्रह का तीस परसेंट कितना हो गया बच्चों सत्रह तीस 100 सीधा सा फॉर्मूला है ना तो पांच पॉइंट एक हो गया तो इसमें से जनसंख्या ऐसी है है जो देखती बी के पढ़ने तथा तो ए के ना पढ़ने वालों इन में इनमें चालीस परसेंट एडवर्टाइजिंग देखती है तो बारह का चालीस परसेंट निकालो अड़तालीस तो फोर पॉइंट एट परसेंट लोग ये हो गए ये गोले में जो लिख रहा हूं ये, ये कौन है ये विज्ञापन देखने वाले लोग हैं ये ठीक है पोटेंशियल कस्टमर है हर कंपनी के आगे देखते हैं जबकि ए तथा भी दोनों को पढ़ने वालों में से 50 परसेंट विज्ञापन देखते हैं तो इन आठ में से है कितने चार परसेंट ये हो गए जो विज्ञापन देखते हैं तो जनसंख्या में विज्ञापन देखने वालों का प्रतिशत कितना है तो बड़ा आसान हो गया जोड़ लो सबको यार फाइव पॉइंट एक तो एक हो गया फोर एक हो गया और फोर पॉइंट एट हो गया तो ये हो गया भैया नाइन चार चार आठ और पांच तेरा तो 13.9 परसेंट ये रहा देखो 13.9 परसेंट लोग ऐसे हैं इस जनसंख्या में जो कि एडवर्टाइजिंग देखते हैं दैट्स ऑल तो बच्चों ये डिस्कशन कंप्लीट होता है हम लोगों ने सेट रिलेशन फंक्शन और आई तक के क्वेश्चन जो जेई मीन टू थाउजेंड और टू में आए हुए हैं वो सब डिस्कस किए हैं और बाकी के जो सॉल्यूशन है बाकी टॉपिक के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और सी सी के यूट्यूब चैनल पे बाकी सभी सब्जेक्ट और बाकी सभी टॉपिक जो मैथ्स के बचे हैं उनके वीडियो आप देख सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गुड बाय